इंदौर क्राइम ब्रांच द्वारा सिटीजन कॉप पर लगातार मिल रही मोबाइल गुम और चोरी की शिकायत पर इंदौर क्राइम ब्रांच ने कार्रवाई करते हुए 119 मोबाइल आवेदकों को सुपुर्द किए। वहीं गुम हुए मोबाइल मध्य प्रदेश के विभिन्न जिले और राज्यों से इंदौर क्राइम ब्रांच ने बरामद किए थे, जिसकी कीमत लगभग 20 लाख रुपये बताई जा रही है। वर्ष 2020 और 2021 में इंदौर क्राइम ब्रांच को सिटीजन कॉप पर मोबाइल गुम और चोरी की शिकायत लगातार मिल रही थी, जिस पर आज DIG मनीष कपूरिया द्वारा 3,569 मोबाइल में से 119 गुम और चोरी गए मोबाइल आवेदकों को दिए गए। वहीं बरामद मोबाइल 119 की कीमत 20 लाख रुपए बताई जा रही है, जिसमें आईफोन, वन प्लस, सैमसंग, रेडमी, वीवो, ओप्पो आदि कंपनी के महंगे मोबाइल फ़ोन आवेदकों को दिए गए हैं। वहीं DIG मनीष कपूरिया ने आमजन से अपील की है कि सिटीजन कॉप एप्लीकेशन डाउनलोड करें। इस एप्लीकेशन के प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों के संपर्क के अलावा कई महत्वपूर्ण फीचर हैं, जिसमें किसी भी घटना और गुम किसी वस्तु की चोरी के संबंध में शिकायतकर्ता ऑनलाइन पुलिस में कंप्लेन दर्ज करवा सकते हैं। ऐसे कई बड़े संख्या में लाभार्थी जो आज पहुंचे हैं, जिन्हें उनके गुम हुए मोबाइल खोज के जाएंगे। कितने संख्या में मोबाइल हैं सर, और कितने लोगों को आज ये मोबाइल देने वाले हैं? ये सिटीजन कॉप ऐप जो है, उसके माध्यम से लॉस्ट मोबाइल्स का ट्रैकिंग का एक प्रावधान है। ये प्रसन्नता का विषय है कि इसमें हमारी क्राइम ब्रांच बहुत गंभीरता से इसको ट्रैक करती है, और फिर ये मोबाइल्स जब मिल जाते हैं, फिर जो उनकी रिकवरी है, उसके उपरांत ये उसके राइटफुल ओनर को ये मोबाइल्स हम रिटर्न कर देते हैं। कई बार इसमें ये भी देखने में आता है कि किसी के पास पोजेशन में ये मोबाइल होता है, जो कई बार ना समझी में भी वो ले लेता है, और फिर उससे वो रिकवर किया जाता है। ये इस प्रक्रिया में काफ़ी एफर्ट लगता है, लेकिन ये हर्ष का विषय है कि ये बहुत सारे हाई एंड मोबाइल्स हैं, इसमें काफ़ी वैल्यूबल ये संपत्ति है। करीब करीब इनकी टोटल कॉस्ट 20 लाख रुपए है, लेकिन ये क्राइम ब्रांच के अधिकारियों ने इनको रिकवर किया है, और इनके ओनर्स को आज, राइटफुल ओनर्स को आज ये डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। इस पूरी प्रक्रिया में गत वर्ष करीब करीब 3,500 मोबाइल्स उनके ओनर्स को दिए गए हैं, वापस रिटर्न किए गए हैं। ये एक बड़ा संख्या है, और इसके लिए साधुवाद के पात्र हैं। सर, जिस तरीके से देखने में आता है कि कई लोग परेशान होते हैं, लोग थानों पर जाकर शिकायत करते हैं, लेकिन सीधे तौर पर आपकी ओर से एक मैसेज कन्वे किया जाए कि सिटीजन कॉप का इस्तेमाल करें, क्योंकि वही एक सही माध्यम है जिससे सीधे क्राइम ब्रांच के पास शिकायत पहुंचती है, और फिर फटाफट उस पर जो टीम है काम करना लग जाती है। जी हाँ, अपेक्षा सभी से यही है कि सिटीजन कॉप बड़ा सामान्य सी, बड़ी इजी प्रक्रिया है अपने इस ग्रीवांस रिड्रेसल की। हमारी सभी से अपेक्षा है, क्योंकि प्रबुद्ध लोग हैं यहाँ इंदौर नगर के, दे आर ऑल साइबर सेवी, टेक सेवी लोग हैं, तो इसका उपयोग करें। और जो नहीं जान पाते, वो यदि थाने जाते हैं तो वहाँ से भी सूचनाएं समय पे आ जाती हैं, और उसी का नतीजा है कि ये बड़ी संख्या में बरामद किए गए। सर, मोबाइल कहाँ कहाँ से प्राप्त हुए हैं? ये विभिन्न स्रोतों से प्राप्त हुए हैं। कई बार तो लॉस्ट मोबाइल्स मिल भी जाते हैं, बहुत सहृदय लोग हैं जो स्वयमेव रिटर्न कर देते हैं, कुछ उसका यूज़ करते रहते हैं, कुछ लावारिस भी पड़े मिल जाते हैं। विभिन्न स्रोतों से इनकी रिकवरी हुई है। टाइम न्यूज़ देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर लाइव, प्ले स्टोर से डाउनलोड करें।